हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्ले विद टेक। तो टॉपिक हमारा आज का वो टैबुलेटिंग मशीन। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो जो इन्वेंटर इस मशीन के, उनका नाम है हरमन हलरित। तो चलिए कुछ जानते हैं इनके बारे में। जो इनका बर्थ हुआ था वो हुआ था 29 फेब, आपने सही सुना, 29 फेब 1860 में। और उनका डेथ हुआ था 17 नवंबर 1923 में, हार्ट अटैक की वजह से। मीन्स टोटल इन्होंने 69 ईयर्स तक अर्थ पे स्पेंड किया है। जो उनका बर्थ प्लेस था, मीन्स होम टाउन, वो था ग्रो फिसलिंजन। मीन्स एक जर्मन वर्ड है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर बफेलो, फिर न्यूयॉर्क में। तो जिनके फादर का नेम था वो था जर्मन इमिग्रेंट। तो एजुकेशन के लिए मींस उन्होंने अपने इस सिटी में स्कूल ज्वाइन कर लिया था, मींस सिटी कॉलेज 1875 में। फिर अपने मींस ग्रेजुएशन के लिए वो चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ माइनिंग। मींस उन्होंने माइनिंग में डिग्री लिया, जो कि वो ज्वाइन किया था उन्होंने 1879 में, मींस जब वो 19 ईयर्स के थे। फिर 1822 में मींस उन्होंने MIT ज्वाइन किया, जहाँ पे वो मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ा लेते हैं। मींस सब सोच सकते हैं, मींस उन्होंने मींस इतना डेवलपमेंट ला लिया था अपने में कि वो MIT में एज ए प्रोफेसर वर्क कर देते हैं वहाँ पे। तो मींस वहाँ पे उन्होंने मींस एक्सपेरिमेंट किया था पंचकार्ड के साथ में, और फिर उनको मींस अवार्ड दिया गया अपने PhD पे। PhD के उन्होंने मींस टैबुलेटिंग मशीन पे 1819 में उनको वहाँ पे अवार्ड दिया गया। फिर वो चले गए मींस अपने होम टाउन में Washington DC, वहाँ पे रहने के लिए वो। तो बस वहाँ पे उनका डेथ हुआ था। तो अब चले बात करते हैं उनके मींस इन्वेंशन पे, मींस टैबुलेटिंग मशीन। तो जो उनका मशीन था वो वर्क करता था इलेक्ट्रो मैकेनिकल पे। मींस जो भी डेटा पंचकार्ड पे लिखा है उसको समराइज करना, वो उसका काम था इस मशीन का। तो मींस जिन्होंने ये मशीन बनाया कि यहाँ पे उनका यूज क्या था, तो जब 1790 में सेंसस आया था डेटा, मींस सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन जो भी मेजर करते हैं हर 10 ईयर्स में वो, तो उस टाइम पे मींस जो पॉपुलेशन था बहुत ही कम था, मींस 4 मिलियन। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करते थे, जो फैमिली के हेड है उन्हीं से मींस डेटा लेके अपने में टैली कर लेते थे। तो अब धीरे धीरे पॉपुलेशन तो ऐसा तो है नहीं, मींस कॉन्स्टेंट रहेगा, भी बढ़ता गया पॉपुलेशन। तो जो 1850 में जो डेटा निकाला था उन्होंने सेंसस का, वो यूज किया था उस टाइम पे टैली का, मींस टैली के हेल्प से वहाँ पे यूज कर रहे थे। तो उस टाइम पे मींस टैली लेते लेते उनका जो पेज था वो 1605, मींस 1605 पेज का डाटा आ चुका था वहाँ पे, जिसको काउंटिंग करना मींस थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर 1879 में हरमन हलरित मींस वहाँ पे एम्प्लॉय था, जहाँ पे जो सेंसस निकालते हैं डाटा वहाँ पे एज ए एम्प्लॉयर वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने मींस सोचा कि कुछ मशीन होना चाहिए जिससे डाटा तुरंत ही निकाल सके। तो हरमन हलरित ने मींस रिजाइन कर दिया 1822 में। फिर वो चले गए MIT। तो वहाँ पे मींस उनको पता था कि प्रॉब्लम आ रहा है सेंसस काउंटिंग करने में। तो MIT में उन्होंने मींस वर्क किया टैबुलेटिंग सिस्टम में और रिले ब्रीडिंग सिस्टम में। तो मींस टैबुलेटिंग मशीन में जब वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा इनपुट्स को कैसे देंगे, मींस कुछ सोचा इनपुट देने के लिए, उस टाइम पे था नहीं मेमोरी। तो मींस उनको मींस आइडिया आया जैकवर्ड लूम का, मींस जैकवर्ड लूम में पंचिंग कार्ड यूज हो रहा था लेकिन वो अलग तरीके था। फिर उनको मींस एक और आइडिया आया, जब वो जो पहले के टाइम में सिटी ट्रेन था वहाँ पे जो कंडक्टर थे वो टिकट को मींस पंच कर देते थे, मींस टिकट कन्फर्म होने के बाद में पंच कर देते थे उसको पंचिंग मशीन से। तो मींस वहाँ से उनको आइडिया आया पंच कार्ड का। तो फिर उन्होंने मींस अपने ही सिस्टम में पंच कार्ड का यूज करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने मींस मशीन को बना लिया यहाँ पे, तो मींस उनको शो करना था पब्लिकली। तो जो डायरेक्टर थे सेंसस के, जो डायरेक्टर थे सेंसस के, उनका नाम था रॉबर्ट पी पॉटर। तो मींस उन्होंने मींस कॉम्पिटिशन अरेंज किया कि जो भी मशीन लाएगा यहाँ पे बना के, मींस चेक करेंगे कि इसका मशीन यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो मींस वहाँ पर टोटल 3 जन गए थे मींस कॉम्पिटिशन में। फर्स्ट मशीन था उसमें जो मैकेनिज्म यूज रहा था वो था पेपर टेप का, और जो सेकंड था उसमें कार्डबोर्ड का। और तो मींस उन दिनों का कॉम्बिनेशन जो हलरित का था वो था पंच कार्ड का। तो मींस वहाँ पे जब कंपटीशन अरेंज हुआ, तो मींस जो पहला मशीन था बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मींस 53 आवर ले लिया अप्रोक्स, और जो सेकंड मशीन था 20 आवर या ज़्यादा ले रहा था उससे। और जो हरमन हलरित का जो था मशीन, मींस उन्होंने मींस टोटल 5 आवर में टोटल काउंटिंग खत्म कर दिया था। तो इसी वजह से मींस वहाँ पे विनर रहे मींस हरमन हलरित। फिर उनका मशीन वहाँ पे यूज़ किया गया, मींस जो 1890 में जो हुआ था सेंसस रिपोर्ट, वहाँ पे उन्हीं का मशीन का यूज, विद्यालय उनके मशीन से सारा रिपोर्ट वहाँ पे निकाला गया। फिर IBM ने मींस उनका मशीन रख लिया अपने पास में म्यूजियम में। तो इसके लिए मींस उनका अवार्ड दिया गया था 1890 में, मींस क्योंकि उन्होंने मींस PhD किया था मींस टैबुलेटिंग मशीन पे पूरा। तो यहाँ से मींस उनका मींस पूरा स्टोरी खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।